अगली चीज समझो, यह है रोटेशन। क्या रोटेशन बेटा? रोटेशन मतलब मूव करना, घूमना। देखो बेटा, फ्री रोटेशन इज पॉसिबल इन सिग्मा बॉन्ड, मतलब सिर्फ सिग्मा बॉन्ड के अंदर ही दो एटम जो आपस में जुड़ते हैं वो घूम सकते हैं। मैंने एग्जांपल लिया C2H6 का, किसका? इथेन का। बेटा इथेन के अंदर सिंगल बॉन्ड है, मतलब वही सिग्मा बॉन्ड है। बेटा सिग्मा बॉन्ड में क्या है, दो गोले आपस में जुड़े हुए हैं, ये देख लो बेटा, ये आपस में जुड़े हुए हैं। बेटा ड्रोन उठाना जरा ऊपर फटाफट, प्रैक्टिकल देना बहुत जरूरी है आजकल, टीचर को टीचर नहीं मानते बच्चे। ऊपर करो, देखो ये क्या है बेटा, ये दो, ये मान लो ये मेरा S और ये मेरा एक S, या ये मान लो ये मेरा एक कार्बन, ये मेरा एक कार्बन, आपस में जुड़े हुए सिंगल बॉन्ड से। किससे? सिंगल बॉन्ड से। तो आराम से रोटेशन हो सकता है, घूम सकते हैं। अरे हट जाओ, ये नहीं हट रहे भाई, बहुत ज्यादा तगड़ा बॉन्ड बना हुआ है वहाँ, सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है ना, टूट नहीं रहा। देखो अब ये जुड़ा हुआ है सिंगल बॉन्ड से, तो ये मूव कर सकते हैं। देखो ये घूम सकता है ना, आराम से रोटेशन हो सकता है। कोई ये मान लो यार एक पहिया होता है, उस पहिये के बीच में एक ही तो ये डंडी फंसी होती है, एक्सेल एक ही होता है, आराम से मूव करता है, आराम से घूम सकता है। लेकिन बेटा बात करें, अगर ये डबल बॉन्ड होता, यहाँ भी एक नीचे से बॉन्ड होता, ऊपर से बॉन्ड होता, घूमने नहीं देता भाई, जाम कर देता इसको। इसका मतलब सिग्मा बॉन्ड में तो मोशन होता है, रोटेशन होता है, लेकिन पाई बॉन्ड में मोटरचेन नहीं होता है। क्या नहीं होता है? बात समझ में आई? तो यही समझाना चाह रहा था मैं तुम्हें। अब बात करें ऐसे C2H4, मतलब इथेन की बात करें, इथेन में कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड बना, रोटेशन होगी नहीं, पाई बॉन्ड में रोटेशन होती नहीं। और पाई बॉन्ड कहाँ से पता चला? भाई डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, पाई बॉन्ड ही होता है वो। इतनी बात आई होप तुम्हें समझ में आ गई होगी।